की सभा पे आए, बहुत ही सम्मान के होंगे मेरे सभी पत्रकार बंधु। आज की सभा के मुख्य अतिथि जी श्री के जी बालकृष्णन जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री डी के शर्मा जी, फॉर्मर सेशन जज, श्री राजीव जेटली जी, मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑल्सो, मदन गोयल जी, इंडस्ट्रियलिस्ट, राकेश गौतम जी, पीआरओ टू हरियाणा गवर्नमेंट, एंड माय ब्रदर संजय उपाध्याय जी, हु इज अ रिनाउंड एनवायरमेंटल लॉयर। और आज हम लोग आप सभी जानते होंगे कि किस लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, जो श्री करतार सिंह भड़ाना जी की सोच है। काफी दिनों से उनके दिमाग में, उनके मन में ये बात चल रही थी कि भाई कोई ऐसा काम किया जाए जिससे बहुत ही पिछड़े वर्ग के जो हमारे देश के लोग हैं, जो गरीब तबका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है, उनके लिए वो कुछ करें। तो उन्होंने इसी सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने ये एक नया टीवी चैनल खोलने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि इसमें काफी जरूरतमंद लोगों की आवाज को जो ऊपर तक उठाया जाएगा। यहाँ जितने भी पत्रकार महोदय बैठे हैं, आप सभी जानते हैं करतार भड़ाना जी ने अपने पूरे करियर में कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कहीं किसी इंसान का मन दुखा हो। तो उनकी ये सोच है कि जो काफी लोग हमारे देश में अपनी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनकी आवाज को किसी माध्यम से ऐसे स्तर तक पहुंचाया जाए जहां पर उनकी सुनवाई हो और कुछ उनके भले में कुछ ऐसे निर्णय किए जाए या उनकी आवाज को सुना जाए। देखिए, ज्यादा बहुत बुद्धिजीवी तो मैं नहीं हूं और ना ही ज्यादा मुझे पत्रकारिता के बारे में कुछ पता है, लेकिन अक्सर मैं सुनता आया हूं बचपन से कि किसी भी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि वो चौथे स्तंभ का जो मान है, वो जो सम्मान होना चाहिए, वो उन बाकी तीन स्तंभों की तरह क्यों नहीं हो पाता? जब हम बात करते हैं जुडिशियरी की, तो यहां हमारे पूर्व सीजीआई साहब भी बैठे हैं, आप सभी जानते होंगे कि जो भी एक बार उस पंक्ति में पहुंच जाता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसकी क्या रेपुटेशन होती है, कितने मान सम्मान से लोग उसकी तरफ देखते हैं, और क्या एक उनका अपना रुतबा होता है। दूसरी तरफ जो दूसरा स्तंभ कहलाता है लेजिस्लेचर, एमपी एमएलए साहब हमारे यहां पे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कितने मान सम्मान की नजर से देखे जाते हैं। तीसरा स्तंभ जो हमारी फोर्सेस हैं, उनके लिए भी बहुत ही एक सम्मानजनक लोगों के मन में जो उनके प्रति भावना होती है। लेकिन जब हम चौथे स्तंभ की बात करते हैं, पत्रकार महोदय यहां पर बैठे हैं मेरे सभी, मेरे बुजुर्ग भी हैं कुछ, मेरे से बड़े हैं, मेरे भाई हैं कुछ, छोटे भी होंगे, तो मैं आपसे समझना भी चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ का जो मान सम्मान है पूरे हिंदुस्तान में कहीं उस नजर से नहीं देखा जा रहा है? कि बाकी तीन जगह तो आपको इतना मान सम्मान है और उसकी पूरे हिंदुस्तान में या पूरे देश में एक अलग स्तर बना हुआ है, लेकिन जहां पत्रकारिता की बात करेंगे तो मतलब कोई भी आता है कि पत्रकार हो तो उस नजर से नहीं देखा जाता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी है ये, तो इसको किस तरह से पूरा किया जाए। इसको मैं समझता हूं, मैं देखिए ज्यादा गहराई वाली बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे मन में ख्याल आता है, देखिए ज्यादा इस वेंचर से मैं इतना जो ताल्लुक नहीं रखता था, मुझे कल ही बताया गया कि इस तरह से ऐसे ऐसे और मैं इसमें आज आपके बीच आ गया हूं, तो जो मेरे मन में जो ख्याल आ रहे थे मैं आपके बीच वो रखना चाहूंगा कि भाई जब एक जज बनने के लिए एक प्रॉपर एक चैनल होता है, कोई एग्जाम दिया जाता है,
एक तरीके से कहीं सिलेक्शन किया जाता है। इसी तरह से जब आप एमपी और एमएलए बनते हैं तो भी एक प्रक्रिया है, मतलब हर कोई जाके एमपी एमएलए या हर कोई जाके जज नहीं बन जाता है, एक प्रक्रिया के थ्रू वो निकलता है और उसके बाद जाके वो बनता है। आईपीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, तो एक परीक्षा का उन्हें जो है उससे निकलना पड़ता है, उसमें अगर वो पास होते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करें जर्नलिज्म की, तो मात्र डिग्री होना ही क्या एक जर्नलिस्ट बना देता है? मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पे कोई एक ऐसी प्रक्रिया हो कि भाई आप यहां से उत्तीर्ण होकर आओगे तो आप एक जर्नलिस्ट कहलाओगे, तो आपका एक उस पंक्ति में नाम आएगा जहां पे बाकी तीनों स्तंभों का नाम भी आता है। हो सकता है आप लोग मेरी बात से इतना ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन मेरे निजी सोच है, मेरे निजी ख्याल है, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो मुझे यकीन है कि जो बाकी तीनों स्तंभों को जो मान सम्मान दिया जाता है, वो एक जर्नलिस्ट को भी, एक पत्रकार को भी, एक मीडिया हाउस को भी उसी नजर से देखा जाएगा। और इन तीनों में एक और बात मैं बताऊं कि जिन तीनों स्तंभों में जब कोई बन के आता है तो एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, चाहे वो एमपी का हो, एमएलए का हो, या कोई मंत्री बनना हो, या कोई जज भी बनता है तो एक शपथ ली जाती है आईएएस आईपीएस में भी। पर जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और जहां की ये सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस चीज की, मतलब ये एक ऐसा स्तंभ है जिससे बाकी लोकतंत्र की सारी प्रणालियां चल रही है, अगर ये सही तरीके से अपना काम करे और सच्चाई लोगों तक पहुंचाए, तो मुझे लगता है कि और बाकी व्यवस्था बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग इनका हो सकता है। तो इसी कड़ी में ज्यादा समय ना लेते हुए और ज्यादा कोई विशेष बातें मेरे पास ना होते हुए, मैं तो आपके सामने एक शुरुआत करने आया हूँ। पता नहीं कितने लोग आप में से इससे वैसे जो है ताल्लुक रखेंगे, लेकिन मैं अपनी सोच से श्रीमद् भागवत जी अपने साथ लेके आया हूँ। और क्योंकि इंसाफ की बात का आज शुरुआत हुई है और एक डायरेक्टर की हैसियत से मुझे उसमें कोई जिम्मेदारी निभानी है, तो मैं आज आप सबके बीच ईश्वर को साक्षी मानकर, गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाता हूं कि अपने इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात करूंगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं करूंगा। जो मेरे देश के लिए, मेरे देश के नागरिकों के भले की बात होगी, जो एक दबे कुचले वर्ग को इंसाफ दिलाने की बात होगी, जो एक पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात होगी, सिर्फ वही बात इस चैनल पर होगी, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, कसम खाता हूं कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, परमात्मा से दुआ करूंगा कि मुझे इस लायक बनाए कि मैं इसको इस तरह से चलाऊं कि वाकई में ये लोग को इंसाफ दिलाने के काम आए। तो सभी का आज यहां पर उपस्थित होने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करूंगा परमपिता परमात्मा से ये जो है दुआ करूंगा कि जो आज ये शुरुआत की है करतार सिंह बड़ाना जी ने, मेरे पिताजी भी हैं जो बहुत सम्मान भी हो गए हैं मेरे, तो ये बहुत आगे तक जाए और इसमें जो जो भी बातें हो वो सिर्फ देश की और देश के नागरिकों के भलाई के लिए, इंसाफ के लिए बात हो। शुरू में मैं एक हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम लेना भूल गया था, सुबे सिंह जी जो याद होने कृष्णा पुलिस के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अंत में सभी भाइयों का, सभी यहाँ पर आए हमारे गेस्ट का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग इस चैनल को, इस एक सोच को हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।